आम तौर की जिंदगी में लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ वक्त के लिए वो सब कुछ भूल कर खुल के हंस सके। हिंदी दर्शकों की इस कमी को कॉमेडियन कपिल शर्मा ने पूरा किया। वो जब टीवी पर अपना शो लेकर आए तो लोगों का शनिवार रविवार हंसते हंसते बीतने लगा। अपनी गजब की कॉमिक टाइमिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। आज कपिल शर्मा अपना 39वां बर्थडे मना रहे हैं। इस मौके पर जानते हैं उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें। पंजाब अमृतसर में जन्मे कपिल आज देश के बेस्ट कॉमेडियन में से एक है, मगर कपिल को इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। बता दें कि सफलता हासिल करने से पहले कपिल शर्मा ने काफी संघर्ष भी किया। वो एक वक्त पर कमाई के लिए कोल्ड ड्रिंक्स के बक्से उठाते थे। मुंबई आने से पहले पीसीओ और कपड़ों की मील में भी काम कर चुके हैं। कपिल ने MH1 के छोटे कॉमेडी शो हंस दे हंसा दे रहो से कॉमेडी की शुरुआत की थी। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक द इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिला। कपिल ने इसके लिए सीजन 3 के लिए पहला ऑडिशन अमृतसर में दिया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए। वो फिर ऑडिशन देने के लिए दिल्ली गए। यहाँ किस्मत और मेहनत ने उनका साथ दिया और उनका सिलेक्शन हो गया। उन्होंने इस शो को जीतकर खुद को साबित कर दिया। देखा जाए तो कपिल कॉमेडियन के साथ साथ अच्छे सिंगर भी है। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में गाना भी गाया। उनके बोलने का लहजा और उनकी भाषा पर पकड़ उन्हें बाकी कॉमेडियन से कहीं आगे ला खड़ा करती है। जहां कॉमेडी नाइट विद कपिल से शोहरत की बुलंदियों पर उन्हें पहुंचने में मदद मिली, वहीं शो के साथ उनका नाम जुड़ चुका था। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और पंचिंग लाइन से कपिल ने स्टेज कॉमेडी को नई ऊंचाई पर पहुंचाया, लेकिन एक विवाद के कारण बीच में ये शो बंद हो गया। शो के अचानक खत्म होने के बाद कपिल की जिंदगी में विवादों की बाढ़ सी आ गई। वो सेहत के मामले में भी परेशान रहने लगे। इसी बीच कपिल डिप्रेशन का भी शिकार हो गए और विदेश जाकर उन्होंने इलाज कराया। इस दौर से गुजरने के बाद फिर से कपिल ने द कपिल शर्मा शो सीजन 2 के साथ दोबारा नई शुरुआत की। इस शो में बाकी सारे लोग थे सिवाय सुनील ग्रोवर, अली असगर और बुआ जी को छोड़ के। शो कलर्स के बजाय इस बार Sony TV पर प्रसारित किया गया। बता दें कि द कपिल शर्मा शो के साथ वापसी करके उन्होंने एक बार फिर अपने करियर को ऊंचाई पर पहुंचाया और उनका शो अच्छी TRP के रेस में दौड़ रहा है। इस शो को एक बार फिर से लोगों का प्यार भी मिल रहा है और शो हर घर की पसंद भी बन चुका है। खैर, कॉमेडियन कपिल शर्मा को पीपिंग मून की तरफ से अपने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेल, ऐसी ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए लॉगिन करें peepingmoon.com।